आ जाइए देखते हैं जिस समय वाणासुर की लड़की उषा को जिस समय सपने में अनिरुद्ध से भेंट होती है और जब वो सपना टूट जाता है, जब उसकी आंख खुली है तो वो चक्की सी देखती रह गई और कहने लगी कि किस तरफ गया का चला गया और दासी से क्या अपराध बना कि तचोर तनिक बदला जा तू प्रेमी बन कर क्यों ब्याज बना सी देख रही है, सोच रही है मैं अभी कहां थी, अब मैं अकेली, आहा मैं तो ये कहता हूं खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है तनवीर, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, न जाने कब कोई जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। खो गए हाथ से प्राण नाथ तो मैं भी खोई जाती हूं, हृदय नाथ आओ आओ मैं फिर से सोई जाती हूं। सोचने लगी, कहने लगी तुम मेरे साथ अभी थे, अब कहां चले गए, कोई बात नहीं मैं फिर से सोई जा रही हूं। आहा हुआ क्या, उषा अरे मन में दुख अति पाई गिरी भैराई पलिंग पे जाई, और कर सैया की याद रे बेहोश भई मेरे भाई, नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। रहा है कि दिल से दिल जुदा नहीं होता, यूं हर किसी पर फैदा नहीं होता, दिल दिल से दिल कभी जुदा नहीं होता और यूं हर किसी पर फैदा नहीं होता, प्यार से बढ़कर होता है रिश्ता क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होता। अरे सोई गई भैराई नींद गई आई सोच रहा हूं छाई सोच रहा हूं छाई, याद भुलाई रे सपने में खोई गई जाई, कई तन की याद भुलाई रे सपने में खोई गई जाई, मेरे भैया उषा चारपाई पे जाकर के फिर गिर पड़ी, तो गई
और सोचने लगी वो कौन सी घड़ी होगी जब मेरे प्राणनाथ मेरे पास होंगे। और उस उषा को सोते सोते आहा सूर्य निकल आया, 7-8 बज गए लेकिन उठी नहीं। उषा की सहेली चित्र रेखा पहुंच गई। जब उषा को सोते हुए देखा जगाने लगी लेकिन बेकाय के लिए जग रही है। वो तो अपने पति की याद में लेटी सोए रही, आहा कैसे भी नहीं जगी। तो चित्र रेखा हाथों से स्पर्श करने लगी, हुआ क्या कि इस पर सिसकी का होते ही आहा मानो दिल का गम निकल गया। सुंदर हुआ क्या, होना क्या था। इस पर सिसकी का होते मानो दिल का गम निकल गया। चला मेरे सर सही सा आंखें खुल पे खुलते मुख से जैसे ही चित्र रेखा ने स्पर्श किया आहा और जैसे ही उषा के शरीर से स्पर्श हुआ तो उषा के मुंह से हाय प्रीतम आहा। मैं तो ये कहता हूं दोस्ती और प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता है बेटे। दोस्ती और प्यार का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता है, यह वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता है। इस फूल को कभी मुरझाने मत देना क्योंकि मुरझाया हुआ फूल कभी दोबारा नहीं खिलता है बेटे। प्रेम की बीमारी बुरी होती है आहा। ये तो वो बूटी है भैया दीवाना करे सयाने को अपने